नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है रघुराज सिंह राठौड़ और भूमि पुत्र के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे तो किसानों के दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, मिर्ची हरी क्यों होती है, बैंगन काला क्यों होता है। सब बहुत सारे सवाल किसानों के दिमाग में आते और आने ही चाहिए, क्योंकि अगर क्रिएटिव दिमाग है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो ट्रैक्टर होता है हमारा, जो बेसिकली हर किसान यूज़ करता है, तो ट्रैक्टर में जो साइलेंसर होता है वो आगे की तरफ ही क्यों होता है और ऊपर की तरफ ही क्यों होता है। क्योंकि किसान साथियों, सवाल जो है काफ़ी आसान है और अगर आपके पास कोई इसका अच्छा जवाब है तो आप वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। और इसके अलावा भी आपको ऐसी फैक्ट की कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। किसान साथियों, हम एक एक करके सारे फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो किसान साथियों, मैं सबसे पहले नंबर का आपको फैक्ट बता दूं कि जो हमारा ट्रैक्टर है वो बिल्कुल ही राजा महाराजाओं की कोई शाही सवारी नहीं है, इसलिए उसको हम सस्ती कॉस्ट में परचेस करना चाहते हैं और हर किसान यही चाहता है कि वो कम कॉस्ट में उसको मिल जाए। इसके लिए हम जो ट्रैक्टर का साइलेंसर होता है वो इंजन के पास ही फिट कर दिया जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो ट्रैक्टर का साइलेंसर का जो पाइप होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, और अगर ट्रैक्टर का साइलेंसर पीछे की तरफ घूम कर जाएगा पूरे ट्रैक्टर में से, जैसा कि आप इमेज यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो घूम कर जाएगा तो उसका बजट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा और 1,000, 2,000, 4,000 भी बढ़ते हैं, तो किसान के लिए बहुत मायने रखते हैं 1,000, 2,000, 4,000 रुपए भी। तो किसान साथी, पहले नंबर का तो फैक्ट यही हो गया। किसान साथियों, हम दूसरा फैक्ट यहाँ पर जान लेते हैं कि जो हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर एक्सेसरीज होती है, जैसे कि पंजा, ट्राली, प्लव, ड्रिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारा तोता परी जिसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाकर डाल रखा है जो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो किसान साथी, जब जितनी भी एक्सेसरीज फिट करते हैं वो पीछे की तरफ फिट होती है, और अगर हम पीछे की तरफ ही साइलेंसर को रख देंगे तो कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं उस वक्त हमको उनको इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए भी ट्रैक्टर का साइलेंसर आगे की तरफ ही रखना पड़ता है। तीसरे फैक्ट की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने चावल के खेत देखे होंगे या बहुत सारी दूसरी खेती भी आपने देखी होगी, उनको कीचड़ में चलाया जाता है और खेती किसानी में ऐसा सामना किसान को करना ही रहता है। और अगर कार या मारुति जो आप कहें की तरह अगर साइलेंसर ट्रैक्टर में भी पीछे की तरफ दे दिया जाए तो उसमें इंजन में पानी चले जाएगा और कीचड़ चले जाएगा, जिससे इंजन बंद हो जाएगा। जैसा कि आप फोटो देख पा रहे हैं, इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रैक्टर पूरा पानी में है और सिर्फ उसका साइलेंसर ऊपर है, जिसकी वजह से इंजन बंद नहीं हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात थी, इसलिए कंपनी सारी चीज़ें ध्यान रखकर ही ट्रैक्टर बनाती है। और आखिरी में आपको बहुत एक शानदार फैक्ट बताता हूँ। आपने अक्सर रात को देखा होगा कि जब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें से साइलेंसर में से कुछ चिंगारियाँ निकलने लग जाती है, और अगर हमारी जो फसल होती है, हम जब कटाई करते हैं फसल की या खेतों में जब हम ट्रैक्टर को चलाते हैं, तो सूखी फसल में अगर जरा सी भी चिंगारी लग जाएगी तो किसान को बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, उसकी पूरी फसल से वो हाथ धो बैठेगा। तो ये चार मुख्य कारण थे जिसकी वजह से ट्रैक्टर का साइलेंसर आगे की तरफ ऊपर की तरफ ही रखना पड़ता है। और ट्रैक्टर का जो साइलेंसर होता है उसकी हाइट जब ड्राइवर सीट पे किसान बैठता है तो उससे काफ़ी ऊपर होती है, जिसकी वजह से किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो किसान साथियों, मुझे उम्मीद है आपका वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर जाकर विजिट करिए। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी खेती किसानी की वीडियो मैंने डाल रखी है, जिन वीडियोस को देखकर आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी खेती में बेनिफिट ले सकते हैं। हमने वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है, और अगर आपको इस फैक्ट वाली वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, तो मैं वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। धन्यवाद भूमिपुत्र रघुराज सिंह राठौड़, अपनी खेती अपना परिचय।